भी ये घास को बहुत सारे बंदा काट के लेके जाता है, मैं देखता हूँ। तो अब भी आज मैं आपको देखा हूँ, तो ये घास आप काट के क्या करते हो? सर गाय को खिलाते हैं। गाय को खिलाते हैं? आपका घर में कितना गाय है? सर दो गाय है। दो गाय? अच्छा, तो गाय दूध देता है वो? सर दूध तो अभी नहीं देती सर। मतलब कब देती? तीन चार महीने में देगी सर। तीन चार महीने में देगी? तो कितना लीटर दूध देता है गाय? उसका माँ सर 5 लीटर देती थी सर। 5 भी देगा? आप लोग बारिश में भीग गए, इतना मेहनत करके ये दो 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 गाय ये करते हो, पालते हो, बहुत ही मेहनत करते हो आप लोग, घास काट के लेके जाते हो, बट इसमें आपका पूरा संसार का गुजारा चल जाता है? हाँ सर, वो तो सर सुबह आते हैं सर घास काटने के लिए, आज बारिश का मौसम था बल्कि सर बारिश में आ जाए। अच्छा। तो ऐसे तो सर अपना कर्म है, गाय पाली है तो सर कम से कम गाय को तो खिलाना पड़ेगा ना सर। अच्छा। बारिश में तो हम लोग तो सर घर में खा लेते हैं, पर गाय तो सर नहीं खा पाती है, तो गाय के लिए तो सर घास काट के खिलाना पड़ेगा, पाले हैं तो अपना कर्म तो करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब फिर आप पढ़ाई लिखाई करते हो क्या? सर मैं यहाँ KBC सर 12 पास आउट हूँ, फिर मैंने सर पटना में पॉलिटेक्निक लिया सर, सिविल इंजीनियर। यार गुड यार, भाई तुम इतना पढ़ा लिखा होके घास काट रहे हो, बारिश में भीग के इतना मेहनत कर रहे हो, भाई तुमको शाबाशी देना चाहिए, बहुत अच्छा हो, और आप मेहनत करते जाओ, पढ़ाई लिखा करो। कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया है कुछ जॉब के लिए? असम पुलिस में भी दिए हैं सर। अच्छा, असम पुलिस में दिया, तो अभी आना बाकी है सर। अभी मतलब क्वालिफाई हो उसमें? हो गया नहीं अभी सर, रिजल्ट आएगा सर अभी। अच्छा, तो देखो भाई, ये भाई साहब ने इतना सारे घास काट लिया एक गाय के लिए, और इन भाइयों ने इतना मेहनत किए, वो इतना घास काट रहा है और इसमें आपका इतना मेहनत कर रहा है यार, ये इतना पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, ये पॉलिटेक्निकल कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, इसके साथ साथ अपना गुजारा भी कर रहा है। भाई बहुत गरीब घर से है यार, भाई के लिए तो बहुत ही। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम सर गुड्डू कुमार तिवारी। अच्छा गुड्डू कुमार तिवारी, तिवारी जी आप इतना घास काट के लेके जाते हो, पीछे कहाँ का रहने वाला हो? सर मैं ऐसे तो सर बिहार से बिलोंग करता हूँ सर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा, वहाँ से सर मैं। तो आप इधर अभी आसाम में मिसामारे में सेट हो? हम यहीं पे सर सेटल हूँ सर। अच्छा, तो आप इसी एरिया में आके घास वगैरह काटते हो और पढ़ाई भी करते हो सब कुछ? तो भाई आप बहुत ही अच्छा मेहनत करते हो। जी आसाम में इस जगह पे बहुत सारे सांप रहते हैं, आप लोग घास वगैरह काटते हो और जोक भी रहता है, तो आप सांप का भी दिखाई दिया या काटा भी है? जी सर यहाँ पे तो नहीं देखा सर, पर डेयरी फार्म में सर एक बार गया था सर घास काटने। अच्छा। तो सर एक नेपेड़ बोल के घास होता है सर। अच्छा। वो काट रहा था तो सर मेरे पाँव के सामने सर एक अजगर सांप सोया हुआ था, बहुत मोटा था सर, कम से कम आपका मिनिमम 20 kg साइज, 20 kilo का साइज का था सर। अच्छा। हाँ सर मेरा पाँव का सर जस्ट बगल में ही था, मैं देखा सर सोया हुआ है, अचानक देख के सर मैं डर गया, तब से सर मैं उधर पे घास काटना छोड़ दिया। और वहाँ पे बहुत आदमी बोले कि वहाँ पे अकेला मत जाया करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत डेंजर सांप है, और बहुत पूरा पहले से बंद है ना वहाँ पे। अच्छा। इसलिए बहुत जंगल है, इसलिए वहाँ पे बोलते थे मत आना, आने से भी तो एक दो आदमी लेके आना। अच्छा, तो ये तो अभी यहाँ से प्रताप नगर में क्वार्टर में आके काटते हैं, तो यहाँ पे जोक बहुत मिलता है सर। अच्छा, जोक जहाँ तक पकड़ लेता है। देखो भाई साहब इतना मेहनत करता है और इतना रिस्क लेके अपना गाय के लिए गुजारा करते है, पढ़ाई लिखाई भी बंदा क्वालिफाइड है, तो इसके इतना आपको हिम्मत बहुत है भाई साहब। और ये जो आपको काटा निशान है, ये क्या घास काटते काटते हुआ? हाँ। या कुछ और है? नहीं सर ये मतलब सर कांटा से लग गया था सर, जैसे अच्छा, घास काटने से आया ना सर, तो कांटा से घुस गया था सर। तो देखो भाई इस पानी में क्या क्या गंदा है, फिर भी आप गुजारा काटते हो। हाँ, बहुत अच्छा चलाना, बहुत अच्छा भाई। मैंने आज तक आप इतना मेहनत कर रहे हो देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आदमी है जो नेशा करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वैसा करके चल जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छा संस्कार हो इसलिए मेहनत कर रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो भाई। आपको हम ऊपर वाला से दुआ करते हैं, आपको जल्दी जॉब लग जाए और आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, ताकि ये मेहनत ना करना पड़े, आपका घर परिवार गुजारा अच्छे से चल जाए। चलो भाई बढ़िया है, आप अच्छा रहो और बढ़िया रहो। ठीक है सर, थैंक यू।